तो मुनि चंद्रमा ने बताया कि त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, पर ब्रह्मा अवतार लेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर के ले जाएगा और उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे कि जब भगवान के अवतार के दूत तेरे पास आएंगे ना, तो तेरे पंख उगाएंगे। चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई कि राम के दूत आए और देखिए मेरे पंख उगने लगे हैं, मेरा शरीर नया हो गया है, मेरे नए पंख आ गए हैं, नवीन पंख आ गए हैं मेरे। आज मुनि की वो वाणी सत्य हो गई है, अब मैं फिर से उड़ सकता हूं, मेरे नए पंख आ गए हैं। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। तो जामवंत जी कहते हैं भाई तुम्हारा काम तो हो गया, तुम्हारे पंख आ गए, अब हमारा काम करो, बताओ माता सीता कहां पर है, किस समुद्र को पार करके त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां पर निडर रावण रहता है जो स्वभाव से ही निडर है, डरता नहीं किसी से। त्रिकूट पर्वत पर लंका में जो रावण रहता है वो किसी से डरता नहीं है, और वहां अशोक नाम का उपवन है, बगीचा है, वहीं पर अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई है जो चिंता में है, इस समय भी वो सोच में मग्न बैठी हुई है। मैं उन्हें देख रहा हूं, माता सीता मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, गिद्ध बहुत दूर तक देख सकता है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। इतना तुमको बता दिया कि सीता कहां है, और तो मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता देता हूं कि तुम में से कौन वहां पर जाएगा, कि जो तुम्हारी सेना में से जो कोई भी 100 योजन समुद्र लांग लेगा और बुद्धि निधान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो, देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, देखते मेरे पंख आ गए हैं, मैं बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से मैं सुंदर हो गया हूं।